हैदराबाद सिटी क्लीन एंड ग्रीन सिटी, लेकिन क्लीन होने के साथ साथ यहाँ बड़े बड़े गैंगस्टर्स, स्मगलर्स, करप्टेड पॉलिटिशियंस, हैकर्स, ये सारे यहाँ राज करते हैं। पर जब जब अधर्म और अहिंसा का जन्म हुआ है, इतिहास गवाह है कि उसे रोकने के लिए एक रक्षक जरूर पैदा हुआ है। मेरे बेटे के लिए सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की चाहिए। आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा रिश्ता लाऊंगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। साक्षात महालक्ष्मी की तरह लग रही है। तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा? बेटी। अरे ऐसा क्यों? पागल बेटिया वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलती। क्या बात है? बात ऐसी है ना भैया कि वो कोई आदमी नहीं है, एक बच्ची है। एक काम करते, बच्ची को उसके घर से ही उठाते हैं। 10 आदमी काफी होंगे। तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन पूरी सिटी मुझे मेरे कंट्रोल पे चाहिए। दोबारा किसी ने भूमि मर्डर केस रीओपन करने का ख्याल भी लाया ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? ये जो अन्याय और अत्याचार को जो तुम अंजाम देते आए हो ना, इसे रोकने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। आसमान फाड़ के धरती चीर के जो तुम नापाकों का खात्मा करेगा। उसके आने से अपराधियों की रूह कांपेगी। रूह लगता ऐसा नहीं मानेगा। मार साले को। उसने मेरे आंखों के सामने मारा। जब वो छोटी थी ना, हमारे इलाके में मच्छर बहुत ज्यादा हुआ करते थे। एक उसी तरह उसके बेटे को उसके आंखों के सामने मारूंगा। लेकिन आज तक मेरी बेटी के ऊपर मैंने कभी बैठने नहीं दिया। तुझे क्या लगा कि मैं भाग जाऊंगा? शिकार करने वाला शहर हूं मैं। मरो सारे को। क्या बोला सर आपने? कि अगर मैं उस क्रिमिनल को पकड़ करके जेल के अंदर डाल दूं, तो आप ये मान जाएंगे कि मैं हैदराबाद का शेर हूं? सर हैदराबाद हो या बिलासपुर, शेर तो शेर ही होता है सर।